हेलो गाइस, तो आज मैंने सोचा कि मैं इस ट्विस्टर क्यूब पे भी एक वीडियो बनाऊं। तो जैसा कि ये क्यूब लगता है जैसे कि किसी ने इस 3x3 को ट्विस्ट कर दिया हो। अच्छा, ये बुलडोजर यहाँ पर है। चलिए, अच्छा अभी हम लोग इसका सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आज इसे टोटली 3x3 के मेथड से करने वाला हूँ। बस इसके लिए एक चेंज होगा जो कि सेंटर्स को लेके होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर्स जो रहते हैं इसके अंदर की ट्विस्ट हो जाते हैं। ये शायद से अगर आपने इसे खुद से भी ट्राई किया होगा तो ये ट्विस्ट हो गया होगा। तो इसे भी मैं समझाऊंगा। चलिए इसे स्क्रैम्बल कर लेते हैं। 3, 2, 1 बूम। अच्छा चलिए, ये हो चुका है हम लोग का स्क्रैम्बल। अब हम लोग को पहले इस क्यूब में देखेंगे कि आपको मैं एक बात बता दूं, इसकी इंटरेस्टिंग इसके जो सेंटर्स हैं उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सेंटर में दो दो पीस है। ये बहुत ही मतलब कलर दो दो हैं, और बल्कि इसके एज में जहां दो कलर होने चाहिए थे 3x3 के हिसाब से वहां एक कलर है, और जहां सेंटर में एक कलर होना चाहिए वहां दो है। कोई सेंस ही नहीं बनता। अच्छा चलिए, इसे साइड में रखिए। अभी हम लोग इसे देखने वाले हैं। तो अभी पहले हम लोग इसके कलर्स के अनुसार, जैसे कि ये किस उस पे चलता है, देखिए अगर हम लोग इसे ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, और फिर उसे ऐसे लगाते हैं, तो इसके अंदर ब्लू के पीछे हमेशा ग्रीन रहता है, ब्लू के पीछे हमेशा ग्रीन, रेड के पीछे हमेशा ऑरेंज, ऑरेंज के लेफ्ट, ऑरेंज के राइट साइड जाओ तो ब्लू आएगा, ऑरेंज के लेफ्ट साइड जाओ तो ग्रीन आएगा। ये एक तरीके से फिक्स्ड रहता है। तो इसको याद करने के लिए मैं तो सिंपल तरीके से रहता हूँ कि अपने वाइट को ऊपर रखो, रेड को सामने। ऑटोमेटिकली अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है, तो मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है, इसलिए मेरे को याद आ जाता है कि मेरी राइट साइड ब्लू होगा और मेरे लेफ्ट साइड ग्रीन होगा जो कि उसका अपोजिट होता है। अब ये सब हो गया तो पीछे ऑरेंज तो होगा ही, क्योंकि ये व्हाइट का अपोजिट आपको रेड जाता है, येलो है। ठीक है गाइस। अच्छा अभी हम लोग इस पे थे तो इसी पे ही रहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग बनाने की शुरुआत करें, ये एक एज है। अभी हम लोग इस एज को ओके, ये क्यूब थोड़ा सा वैसा है, मतलब थोड़ा टाइट। अभी पहले हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे कि ये फिक्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे एजेस को ढूंढेंगे। तो जैसे कि हम लोग को ग्रीन मिला, ग्रीन इसका अपोजिट होना चाहिए, हम लोग को पता है, हम लोग इसके अपोजिट में ही इसे फिक्स करेंगे। ओके, ये मूव ही करना ही बहुत मुश्किल है। ओके, अभी ये हम लोग ने एक लाइन बना दी है, और अभी यहाँ पे हम लोग को एक और दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ब्लू है उसके राइट साइड लगभग रेड रहता है ना, देख लीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग को ब्लू के राइट साइड रेड रखना है। ब्लू का राइट साइड ये है, तो यहाँ पे हम लोग रेड को रखेंगे। ओके, अभी मैं आपको कैमरा थोड़ा ऊपर से करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के अभी तीन बन चुके हैं, एक लास्ट बचा है जो कि शायद से ऑरेंज है। हाँ, वो यहाँ है। अभी हम लोग ऑरेंज को भी फिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इसकी पोजीशन क्या है, मतलब अभी तो हम लोग ने इसे ऐसे ही स्क्रैम्बल वे में ही रखा है, तो इसकी पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी। देखिए, जैसे कि अभी हम लोग कोई एक ले लेते हैं, हम लोग लेंगे इसको, ये है रेड वाला। तो आपको पहले सेंटर्स में देखना है ऐसे कौन से दो सेंटर्स हैं जिनके अंदर रेड कलर है। तो एक सेंटर ये है जिसके अंदर रेड कलर है, ब्लू को आप इग्नोर मारिए, रेड कलर है और इसमें भी रेड कलर है, यानी कि आप इसे एक तरीके से बैठा सकते हो, यहाँ पे एक मैचिंग बन रहा है। तो हमेशा जो इसके राइट साइड वाला जो होगा, जैसे दो सेंटर्स हमेशा मिलेंगे आपको, दो सेंटर ढूंढने हैं ना जिनके ना रेड हो,
या फिर जो भी कलर का आप एच ढूंढ रहे हैं, तो उसका जो राइट साइड होगा, हाँ आप सोचेंगे तब इसे सामने लाओ तो नहीं, लेकिन ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, इसलिए जो राइट साइड होगा यानी कि इसमें, इसमें ही उस रेड को फिक्स होना है, तो रेड को यहाँ फिक्स करेंगे। अभी ऐसे ही हम लोग फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर ब्लू का देख लेते हैं, तो ब्लू भी यहाँ पे है और ब्लू का भी ये सामने रखेंगे तो ये राइट है और ये भी सही है। फिर यहाँ पे दो ऑरेंज है और वो भी सही है। चलिए हम लोग का सब कुछ सही हो गया, तो हम लोग अपने दूसरे केस पे आ सकते हैं जो कि मेन है सेंटर्स को इसके साथ सही तरीके से लगाना। जैसा कि आप इस वाले क्यूब में देखते हैं, तो इसके अंदर तो आप बहुत सिंपली बस पेयरिंग करके, ये जैसे कि ये इधर है तो इसे इधर पेयर करके सिंपली ले आते हैं, लेकिन इसके अंदर मुश्किल है। तो इसके अंदर पेयर करने के लिए मान लीजिए इस रेड को यहाँ होना था, इसके साथ पेयर होना था, तो मेरी टेक्निक तो सिंपल है, मैं इसके लिए कोई भी मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं सिंपली इसको ऊपर ले जाता हूँ, रेड के पीस को इसे साइड में कर देता हूँ जिससे ये सेव रहे, आप किधर भी साइड में बस करना है इसे आपको, फिर उसके बाद इसे मूव करना है। अब मूव जब आप इसे करेंगे तो आपको मूव करके फिर इसे वापस लाना है और देखना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं, तो ये सही हो गया है यानी कि अब आपको इसे वापस नीचे ले आना है, पेयर कर देना है। तो एक हम लोग का सही हो गया, दूसरा तो अभी सही है, तीसरा ऑरेंज नहीं सही है, उसको भी ऊपर ले जाएंगे, साइड करेंगे, एक बार टर्न करेंगे और फिर से ये भी सही हो गया, इसे भी डाउनवर्ड ले जाएंगे, इसे भी अब ऊपर लाना है, ग्रीन लास्ट बचा है तो ग्रीन को भी कर लेते हैं। हाँ ये ग्रीन भी मैच हो गया। हाँ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि मतलब आपने इसे साइडवे किया है और फिर ये देखिए एक ऐसे ही आ रहा है ग्रीन और एक ऐसे भी तो ग्रीन आ रहा है टॉप पे, लेकिन तब ये इसके पीस के कर्व के हिसाब से मैच नहीं करेगा, देखिए गैप बच रही है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर गैप के साथ मैच नहीं कर रहा तो एक बार और टर्न कीजिए उसके बाद। अच्छा गाइस इसे मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा ही स्क्रैम्बल है। तो अब जैसा कि हमने इसके अंदर ये क्रॉस बनने के बाद इसके अंदर के ये कॉर्नर्स को अटैच करते थे, ये कॉर्नर्स जो है इन्हें अटैच करना है, तो उसके अंदर के कॉर्नर्स, इसके अंदर के कॉर्नर सिंपली हम लोग अटैच कर लेंगे, जैसे कि एक लेते हैं ये वाला, तो इसके अंदर है वाइट ग्रीन रेड, इसके अंदर वाइट ग्रीन रेड है, तो वाइट ग्रीन रेड कहाँ हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पे वाइट ग्रीन रेड, ग्रीन और रेड के पेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल है, देखिए इसके हिसाब से यहाँ मिलना चाहिए हम लोग को, तो ये है ये प्लेस है, देखिए इसे यहाँ आना है, तो इस पीस को यहाँ लाएंगे, इसे सिंपली हम लोग को पता है कि इसे अटैच कर देना है हम लोग को। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं इसे 3x3 की तरह अटैच करने वाला हूँ, तो अभी अटैच कर लेने दीजिए, बाद में मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसकी फर्स्ट लेयर पूरी कर दी है, तो जैसा कि मैंने इसके अंदर के कॉर्नर सभी लगा दिए हैं, अब ये थोड़ा सा मतलब लगने भी लगा है कि सॉल्व हो रहा है। अब हम लोग को इसके एजेस करने हैं, जैसा कि इसके अंदर एजेस करते थे वैसे ही एजेस हम लोग को इसके अंदर करने हैं। अभी इसके अंदर के एज कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है गाइस, तो इन एजेस को के लिए आपको पहले ये ग्रीन का एरिया है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये ग्रीन है, ये यहाँ जाना चाहिए क्योंकि ये इन दो ग्रीन के बीच में आएगा, ये समझ जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए इसका ग्रीन इस वाले टॉप ग्रीन से मैच कर रहा है, ऐसे रखना है, नहीं यहाँ पर से आप वही पहले वाले मूव के अनुसार आप इसे अटैच कर सकते हैं, ओके, तो ऐसे ये ऐसे अटैच हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग के पास एक रेड का है इधर लाएंगे, फिर उसके बाद इसे साइड, इसे अपवर्ड और फिर। अच्छा गाइस क्या आपको पता है कि मैं इस एजिंग के फॉर्मूले को पहले एज अ बिगनर कैसे याद रखता था, देखिए मान लीजिए ये पीस है, इसे यहाँ आना है, तो इसे ऑपोजिट साइड हम लोग ले जाएंगे
और फिर इसको जिस कॉर्नर के साथ पेयर होना है उस कॉर्नर को ऊपर लाएंगे, इसे वापस लाएंगे, फिर जब इसे डाउन करेंगे तो देखिए पेयर हो जाएगा। यही तो हम लोग को करना था। अब बाद में सिंपल है, हम लोग को इसे से इंसर्ट करना है। तो अभी ये सब तो हो गया। अभी ये लास्ट बचा है, इसे मैं पेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है अब। हाँ गाइस, ये तो पहले ही आ गई पैरिटी, एक तरीके की पैरिटी होती है। अब आपको 3x3 में तो कोई पैरिटी नहीं मिलती जल्दी, लेकिन इसके अंदर एक तरीके की मतलब पैरिटी कहें या फिर एक प्रॉब्लम है ये। पैरिटी अभी बाद में आएगी। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर सिर्फ एक रहता है। तो आप समझते कि इसे सॉल्व कैसे करना है, या तो यहाँ पे 3 आ जाते एक नहीं होता, या तो यहाँ पे एक ही रहता है, कोई एल वेल नहीं बनता। तो इसका मतलब है इन 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 किसी भी एज को आप ले लीजिए, इसके अंदर में से कोई भी एक सही नहीं लगा। क्योंकि देखिए इनका शेप एक ही तरफ से ही तो है। अगर हम लोग इसे से ऐसे उठाकर ऐसे लगा दे, यानी कि इसे रोटेट कर दे, तो भी ये वही तो कलर रहेगा, मतलब कुछ चेंज तो नहीं होगा, लेकिन इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको सिंपली इसके अंदर में से कोई भी एक एज को बाहर ले आना है। कोई दूसरे एज के साथ आप पेयर भी कर सकते हैं, या फिर उसके के पेयर को तोड़ के फिर उसके उसी पेयर के साथ उसी टाइम में अटैच कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने बताया, लेकिन इस तरीके से अच्छा आप सिंपल वे में कीजिए, वरना कंफ्यूजन होगा। हो गया। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था ये ठीक हो जाना चाहिए। ये ठीक हो गया। अब इसे आपको 3x3 मेथड्स की मदद से सॉल्व कर लेना है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग OLL और PLL भी अब 3x3 में सीखने वाले हैं, तो उसका इंतजार कीजिए, हम लोग इसकी भी वीडियो लाएंगे। अच्छा चलिए अभी हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो मैंने क्रॉस बना लिया है। अब हम लोग इसे से जैसा कि है इसे हम लोग को मैच करना है, जो कि हम लोग तो पहले भी करते थे, तो मैं इसे भी कर दे रहा हूँ। ये एजेस मैचिंग, तो ये एजेस मैचिंग भी 3x3 में ही सिंपल है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसे लगभग लगभग टोटली 3x3 के मेथड से ही कर रहा हूँ। सिर्फ सेंटर्स की प्रॉब्लम्स और इन सब प्रॉब्लम्स के लिए उसको चेंज किया है थोड़ा सा भी, लेकिन पूरा 3x3 ही है। आपको बस थोड़ी थोड़ी टिप्स, मान लीजिए टिप या फिर शॉर्ट आइडियाज, क्या कहूँ मैं इसको, तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मूव्स है जिनको बस आपको एक तरीके से वहां की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए यूज करना है, सोल्यूशन के लिए। अच्छा चलिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी था, मतलब हम लोग को जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। अभी मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ और जो भी पैरिटी थी उसके ऊपर आके फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम लोग अपनी पैरिटी पे आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर से मैं आपको बताना चाहता हूँ पैरिटी क्या है, पैरिटी इसे कहते हैं। तो ये थी हम लोग की पैरिटी। तो इसे इस पैरिटी में असल में आप देख भी सकते हैं कि ये ट्विस्ट हो चुका है, बस अपनी जगह पे हल्का सा ट्विस्ट है। तो अब इस ट्विस्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो दो ट्विस्ट होते हैं, लास्ट में बच जाते हैं। इनमें से कोई एक को करेंगे, एक को करने बाद अगर दूसरा भी करेंगे, अगर कोई एक नहीं होता तो दूसरे पे जाएंगे, और फिर ऐसे ही लास्ट में अगर कोई एक बच भी जाता है तो उसको एक पैरिटी केस रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसे राइट में रखना है और फिर एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वो है R U, R U नहीं, R U prime, R U, then R U prime, R prime U prime and R2। इसको आपको 2-3 बार लगाना पड़ेगा। अभी एक बार और लगाने से एक बार और ट्विस्ट करने के लिए, ये आसपास जो बिगड़ रहा है उससे आपको चिंता नहीं है। R U prime, R U, R U, R U को यहाँ पे दो बार किया गया है,
देन फिर से आर किया गया, लेकिन अब की बार यू प्राइम, फिर आर प्राइम, यू प्राइम, देन आर टू। ये देखिए ये सॉल्व हो गया। अभी ये सब पिघड़ा हुआ है तो इसे इसे अभी ध्यान में ना रखकर हम लोग तो इस वाले को सॉल्व करेंगे राइट मिलाकर। अब इसे इधर आना है, इसे इधर, तो यानी कि इसे टोटली ट्विस्ट होना है। तो लगभग इसे दो बार हम लोग को फॉर्मूले को लगाना है। तो आर यू प्राइम, आर यू, आर यू, देन आर यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर टू, वन टाइम, एंड देन सेकेंड टाइम आर यू प्राइम, आर यू, आर यू, देन आर यू प्राइम, देन आर प्राइम, यू प्राइम, देन आर टू। ओके, तो ये सब सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा केस मिलेगा। तो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जिस हिसाब से पैरिटी सॉल्व की है तो उसका जब सोल्यूशन निकल के आता है तो एक दूसरा केस बनता है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको PLL OLL आना चाहिए। तो अभी ये PLL OLL का सिर्फ एक केस है तो इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो और हम लोग इसे डीपली मतलब और सही से इसको 3x3 पे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर OLL PLL को सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी चीजें इससे अलग हो जाती हैं। इसीलिए अब हम लोग अगले वीडियो में इस OLL और PLL को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा केस है। तो इस केस में अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन वाले ट्विस्ट है। मतलब देखिए कि इस रेड को इधर होना चाहिए और इसको इधर, और इसको इधर, इसको इधर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आर टू यू टू करके मतलब एक ही मूव को बार बार अप्लाई कीजिए, उससे भी हो जाता है, या फिर आप सही मूव का को अप्लाई कीजिए। तो अभी हम लोग को इसे ऐसे होल्ड करना है कि मतलब हम लोग का जो बिगड़े बिगड़े हैं ऐसे लाइन हो, और हम लोग को एक सिंपल सा एल्गोरिथम लगाना है एम टू यू एम टू, फिर उसके बाद हम लोग को यू टू करना है, फिर एम टू यू एम टू। और देखिए हम लोग का क्यूब सॉल्व हो चुका है गाइस। तो ये था हम लोग का ट्विस्टर क्यूब ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और OLL PLL के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय गाइस।